हेलो स्टूडेंट्स, ये फिफ्टींथ लेक्चर का सेकंड पार्ट है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा अपने पैटर्न स्टाइल में थोड़ा चेंज किया है। चेंज ये है कि वीडियोस शॉर्टर वीडियोस होंगे, मैक्सिमम 15 मिनट के, मैक्सिमम ठीक है, 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट का आइडियल टाइम रखूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्पेस टाइम डिस्कस कर रहे थे और उसी के लाइन पे हम स्पेस टाइम डायग्राम वाला टॉपिक आज डील करेंगे, मतलब इस वीडियो में, इस लेक्चर में। तो देखिए, किसी भी पार्टिकल का मोशन अगर आपको ग्राफिकली निकालना हो तो क्या करते हैं? टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द पार्टिकल ग्राफिकली वी प्लॉट द पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, और जो दोनों का स्लोप होगा, पोजिशन और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, दोनों का मतलब पोजिशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, दैट विल गिव द वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द पोजिशन टाइम ग्राफ। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने टाइम रख दिया और वर्टिकल एक्सिस में स्पेस रख दिया, तो जो स्लोप बना दैट विल गिव यू द वेलोसिटी। ठीक है, बट यहां पे थोड़ा सा चेंज किया स्पेशल थ्योरी में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अपने एक्स रख दिया और ये आपका वर्टिकल एक्सिस में टाइम रख दिया, तो स्लोप यहां पे क्या देगा, जो वेलोसिटी स्लोप का इनवर्स आपको वेलोसिटी देगा। ठीक है, और स्लोप का इनवर्स आपको वेलोसिटी देगा। ठीक, अब ये आपने पोजिशन को रखा है लाइट ईयर्स के टर्म में, के यूनिट में, और टाइम सीटी है वो आपको अपने रखा है ईयर्स में। अब डायग्राम जब इसका हम बनाते हैं, मान लीजिए एक पार्टिकल रेस्ट का हम लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं इस डायग्राम, तो ये लाइन आपका वर्टिकल लाइन आपको बता रहा है पार्टिकल रेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप ध्यान से देखिए, पार्टिकल जो है अगर यह इस पोजिशन में है तो टाइम के साथ पोजिशन चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ टाइम में आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसको कहेंगे पार्टिकल रेस्ट, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल रेस्ट। अब इस लाइन पे आ जाइए, ये जो लाइन है ये है फोटोन की लाइन, फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। ठीक है, तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब लाइट जो है, लाइट का जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो 45 डिग्री एंगल बनाएगा स्पेस एक्सिस से। ठीक है, तो ये आपका फोटोन का ट्रेजेक्ट्री हो गया। अब कोई भी मटेरियल पार्टिकल इसकी वेलोसिटी को एक्सीड कर नहीं सकता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम लिमिट, हर एक पार्टिकल का जो आपका आएगा वो ट्रेजेक्ट्री वो इसके अंदर ही आएगा। अगर आप फोटोन का पार्टिकल का मोशन इधर लेते हैं तो ये वेज शेप बन जाएगा। ठीक है, तो और ये जो प्लॉट है, मान लीजिए कि हम रॉकेट का एक एग्जांपल दे रखा है कि रॉकेट का है, तो ये रॉकेट है तो उसकी वेलोसिटी इससे कमी होगी, जाहिर सी बात, यह ट्रेजेक्टरी हो गया। ठीक है, रॉकेट गोइंग एट सम इंटरमीडिएट स्पीड फॉलोज अ लाइन ऑफ स्लोप दिस। ठीक है, एंड सच प्लॉट्स आर कॉल्ड मिनकोस्की डायग्राम। ठीक है, बेसिकली मिनकोस्की का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, आइंस्टाइन, मिनकोस्की, पॉइनकारे और लॉरेंज, ये चार साइंटिस्ट थे जिसका, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है ये रिलेटिविस्टिक थ्योरी और स्पेस टाइम को डेवलप करने में। तो मिनकोस्की ने 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम दिया था, 4 डायमेंशनल मतलब उसने स्पेस के 3 डायमेंशन और टाइम को कंबाइन किया और उसका स्पेस कहलाता है मिनकोस्की स्पेस। हमारे पास जो स्पेस है न्यूटोनियन नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी में कहलाता है यूक्लिडियन स्पेस, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं एक स्पेसिफिक बात, ये पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट नेम इज वर्ल्ड लाइन। ठीक है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल ऑन मिनकोस्की डायग्राम इज कॉल्ड वर्ल्ड लाइन। ठीक है, ये अगर जीरो है, यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये लाइट की ट्रेजेक्ट्री है तो कोई पार्टिकल इस ट्रेजेक्ट्री के इधर नहीं आएगा, मतलब स्लोप लेस देन वन नहीं हो सकता है। वही लिखा है टी इज इक्वल टू जीरो, नो मटेरियल पार्टिकल कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट, वर्ल्ड लाइन कैन नेवर हैव अ स्लोप लेस देन वन। ठीक, अब देखिए उसी रिस्ट्रिक्शंस को हम यहाँ रखते हैं कि कोई भी पार्टिकल इधर नहीं आ सकता, ट्रेजेक्ट्री इधर नहीं आ सकता, ये इसी के अंदर ही होगा। तो अकॉर्डिंगली मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द वेज शेप, आइदर दिस वेज शेप और दिस वेज शेप। ठीक, तो ये जो आपका 2 डायमेंशन में ले रहे हैं, टाइम और स्पेस डायमेंशन में, तो आपका जो पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री है वो इस वेज शेप अपर या लोअर वेज शेप के अंदर ही रहेगा। ठीक, अपर वाले वेज शेप को हम कहते हैं फ्यूचर और लोअर वाले को पास्ट। फ्यूचर का क्या मतलब हुआ, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स एसेसिबल टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, पास्ट क्या हो गया, जहां से अब चल के आए, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम विच ऑब्जर्वर माइट हैव कम, और ये पॉइंट हो गया प्रेजेंट। ठीक, और ये लाइन एक्चुअली ये प्रेजेंट का हो गया, बट ये लाइन इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि आपका आप इस रीजन में नहीं आ सकते, ऑब्जर्वर इस रीजन में नहीं आ सकता, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी ऑफ होगा तभी इस रीजन में आएंगे, तो ऑब्जर्वर कैन नॉट इन्फ्लुएंस एनी इवेंट इन द प्रेजेंट।
अब ये दो डायमेंशन ले रहे हैं टी और एक्स, अगर वाई डायमेंशन को इंक्लूड कर दें इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर पेज, तो ये हमारा जो वेज शेप है वो क्या हो जाएगा, कोन हो जाएगा, ठीक। और साथ में अगर हम जेड डायरेक्शन में इंक्लूड कर दें, ठीक, एक्स वाई जेड एंड टी, तो ये जो हमारा वेज है वो हाइपर कोन हो जाएगा, ठीक। और ये हाइपर कोन कोन तो हम कह रहे हैं चूंकि ये हमारा इसका हाइपर कोन का बाउंड्री जो है वो लाइट का ट्रेजेक्ट्री, लाइट का वर्ल्ड लाइन, इसलिए इसको हम लाइट कोन भी कहते हैं, ठीक। एज द बाउंड्री ऑफ द हाइपर कोन आर द ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ लाइट रेज, वी कैन कॉल देम द फॉरवर्ड लाइट कोन, ये पार्ट फॉरवर्ड लाइट कोन हो गया और ये बैकवर्ड लाइट कोन हो गया। तो फॉरवर्ड लाइट कोन आपके पास ये हो गया, ओवरऑल आपका लाइट कोन हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड तो ऊपर नीचे का है, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक। अब हम इसी चीज को स्टडी करेंगे, अभी हमने लॉजिकली ये डायग्राम बनाया था, अब हम जो स्पेस टाइम इंटरवल का इक्वेशन है उससे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि हमारा डायग्राम और सही सही सेम डायग्राम आएगा। अब देखिए ये हमारा स्पेस टाइम इंटरवल था जो कि लॉरेंजियन वेरिएंट है, ठीक, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस ये ध्यान से देखिए, अगर इसको हटा दें, ठीक, सिर्फ ये यूक्लिडियन मैट्रिक आएगा और ये क्या कैसा ज्योमेट्री है, स्फेरिकल है, पर ये नेगेटिव वाला टर्म आने की वजह से ये ज्योमेट्री जो हाइपरबोलिक ज्योमेट्री हो जाएगा, हाइपरबोलॉइड, और जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी भी काफ़ी चेंज कर जाएगी, मतलब काफ़ी इनरीच्ड ज्योमेट्री होगी हाइपरबोलिक ज्योमेट्री, ठीक है। अब हाइपरबोलिक ज्योमेट्री, अब इसको इस ये जो ड्रॉ अगर आप करते हैं तो हाइपरबोलॉइड आपका आएगा दो तरह का, एक वन टू सीट का हाइपरबोलॉइड, एक वन सीट का हाइपरबोलॉइड, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा आपने कंडीशन रखा है, ठीक। अब देखिए अगर आपका स्पेस डोमिनेट कर रहा है, ठीक, ये पार्ट अगर ग्रेटर देन दिस पार्ट, टाइम पे स्पेस डोमिनेट कर रहा है, तो आपका जो रीजन होगा वो कहलाएगा स्पेस लाइक, मतलब स्लोप होगा, स्लोप इज लेस देन वन, मतलब ये बनाएगा हाइपरबोलिक बोला विथ वन सीट, ये वन सीट का चार तरफ स्पेस लाइक टाइम है। अगर आपका टाइम डोमिनेट कर रहा है तो आपका रीजन होगा डी स्क्वायर, ये डोमिनेट कर रहा है इसके ऊपर तो नेगेटिव होगा, डी स्क्वायर इज लेस देन जीरो, टाइम लाइक, स्लोप हमेशा पार्टिकल्स का ट्रेजेक्ट्री का लेस देन वन होगा, मतलब ये डबल सीट का हाइपरबोला बना है, ठीक। तो आपको स्पेस टाइम जो है आपका लाइट कोन है वो क्या है, हाइपरबोलिक हाइपरबोलॉइड है, ठीक, हाइपरबोलिक ज्योमेट्री हो गया, और ये रीजन आपका टाइम लाइक है और ये रीजन उसका स्पेस लाइक है, और जब वेलोसिटी और सेम होंगे तो ये लाइट लाइक होगा। अब एक बात आपको बता दें कि लाइट लाइक पे जो प्रॉपर टाइम है वो जीरो होगा हमेशा, मतलब अगर लाइट अपने फ्रेम में अगर क्लॉक रखता है तो क्लॉक उसका मूव ही नहीं करेगा, ये जीरो टाइम होगा, ठीक। अब इसमें और कुछ बातें बतानी है, जैसे कि हर एक पॉइंट पे आपका वर्ल्ड कोन होता है, जैसे कि देखिए पार्टिकल आप अगर आप ऑब्जर्वर यहाँ पे हैं तो आपका वर्ल्ड कोन ऐसे होगा, ठीक, ये फ्यूचर हो गया, इधर आपका नीचे पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, आपका ट्रेजेक्ट्री ऐसे जा रहा है, तो फिर अगर यहाँ पे आप आ गए तो ये फिर आपका राइट कोन ऐसा हो जाएगा, फिर आप अगर आगे बढ़ गए तो लाइट कोन आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो आप फ्यूचर को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन जब फ्यूचर जैसे एक्सेस कर रहे हैं तो वो आपका प्रेजेंट हो जा रहा है आपके पॉइंट पे, और जो छूट गया वो पास्ट हो जा रहा है, तो और ये रीजन जो आपका है स्पेस लाइक वो आप जा नहीं सकते, ठीक, आप सिर्फ टाइम लाइक वाले रीजन में मूव कर सकते, कोई मिडिल पार्ट का टाइम लाइक वाले रीजन में मूव करेगा, ठीक है। तो चलिए आज ये कॉन्सेप्ट यहीं तक का रहा, फिर अगर कुछ आप अपने सवाल और अपने कुछ डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो और अपने कमेंट्स कुछ भी हो तो आप ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब चैनल पे लिखें, और कुछ सजेशंस हो तो भी लिखें, मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं, वीडियो मैंने छोटा कर दिया, अब आप लोग देखिए, क्योंकि वीडियो जो व्यू है वो काफ़ी कम हो रहा है, लोग देखते नहीं है, सिर्फ पता नहीं ये डाटा ज़्यादा लेने की वजह से दिक्कत है या क्या वजह है, जो भी वजह आप मुझे बताएंगे तो मैं अकॉर्डिंगली इम्प्रूव कर पाऊंगा, मेरा पर्पस है कि आप लोगों की मदद हो, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो लाइट कोन आपका है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लाइट कोन स्पेसिफिकली, और लाइट कोन में ये जो दो तीन टर्म है ना, स्पेस लाइक, टाइम लाइक, लाइट लाइक, वो टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी क्वेश्चन में आएगा। तो लाइट लाइक क्या होता है, जहाँ पे आपका डी स्क्वायर जो स्पेस टाइम इंटरवल है वो जीरो होगा तो लाइट लाइक होगा, ठीक है, और ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्पेस लाइक होगा रीजन, अगर लेस देन जीरो होगा तो टाइम लाइक होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको यही चीज़ लैंग्वेज में लिखना है, साथ में ये डायग्राम बना के दिखा देना, अगर नोट्स आता है तो,
ठीक है, चलिए ओके।